हाय गाइज, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी तीजा का अपना लुक शेयर किया, जिसमें मैंने मेरी बर्थडे, मेरे बेटे का बर्थडे भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि उसका बर्थडे हमने कैसे सेलिब्रेट किया। उसमें मुझे मतलब कमेंट्स आए, अच्छे कमेंट्स आए, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, जिस चीज़ की मैं इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने आप मुझे ही आप ही लोगों ने बोला था कि दी, हम हमेशा आपको साड़ी में देखते हैं, आप कभी लहंगा नहीं पहनते, आप कभी कुछ डिफरेंट लुक नहीं करते। तो मैंने एक बार तीज में लहंगा पहन लिया है, दो बार मैंने साड़ी पहन ली है। मैंने सोचा इस बार मैं कुछ डिफरेंट करूंगी ताकि मेरी ऑडियंस भी खुश हो और मेरे में भी एक चेंज, मुझे भी अच्छा लगे। क्योंकि ऑब्वियसली मैं हर टाइम सबके लिए नहीं करती हूँ, मैं कभी कभी खुद के लिए भी करती हूँ और कभी ये भी चाहती हूँ कि मैं अच्छी भी लगूँ और साथ में आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। जिसके लिए मैंने डिफरेंट एक लुक ट्राई किया एंड आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया। अभी तक सब लोगों के पॉजिटिव कमेंट से एक सिंगल कमेंट नहीं है मेरे लुक के लेके कि तुमने बुरा किया। और मुझे वो चीज़ बहुत 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 अच्छी लगी। बट आपको एक चीज़ समझ में आती है, आप जब एक इंसान को इतने गंदे तरीके से टारगेट करते हो, मतलब कुछ लोग ना हर चीज़ में मेरी पुरानी बातों को उखाड़ के लाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्या मैं जीना छोड़ दूँ? जो हुआ है उसकी वजह से मैं जीना छोड़ दूँ? आप लोग चाहते हो मैं सुसाइड कर लूँ? आप चाहते क्या हो इससे? मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा। सीरियसली, हमेशा मैं ट्राई करती हूँ, चाहे मेरी लाइफ में कितना भी गंदा फेस चल रहा हो, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आप लोगों के सामने एटलीस्ट हैप्पी हो गया। जितनी चाहे प्रॉब्लम चल रही हो लाइफ में, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं चीज़ों से डील करती रहती हूँ। माइंड ऑलवेज ऐसा ब्लास्ट होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। बट फिर भी जब भी मैं कैमरे पे आती हूँ, ट्राई करती हूँ मैं खुश रहूँ। मैं बहुत रेयरली अपने आंसू दिखाती हूँ। मैं ऑलवेज पहले मैं बहुत ज़्यादा रोती थी यूट्यूब पे, मुझे फिर बाद में ही रियलाइज़ हुआ कि लोग ना आपके रोने को भी आपकी वीकनेस समझ के बैठ जाते हैं कि ये तो ऐसी ही है, ये तो जल्दी रोने लग जाती है। मैं बहुत मतलब ऐसे हूँ, मुझे गलत नहीं समझ में आता। मैं ना गलत अपने ऊपर होने देती हूँ, ना मैं किसी के ऊपर गलत होने देती हूँ। मुझे इन चीज़ों से बहुत इफ़ेक्ट होता है मेरी ज़िंदगी में, मुझे इन चीज़ों से रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों में मैं ये चीज़ें फेस नहीं कर पाती हूँ। मुझे नहीं पता था ज़िंदगी में मुझे ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ेंगी जो मैं करती हूँ और अभी भी कर रही हूँ। लेकिन ठीक है, मैं यही हूँ। हर टाइम हम आपको यूट्यूब पे ना ये अपने घर की चीज़ें, अपने घर का माहौल, हर चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम अपने इतने ज़्यादा दिन भर रोए होते हैं, फिर भी जब कैमरे पे आते हैं, या तो मैं उस दिन वीडियो शूट नहीं करती, अगर मैं कैमरे पे आती हूँ तो मैं ऑलवेज एक स्माइल, जो एक स्माइल होती है वो लेके आती हूँ कि चलो यार ये नहीं करना मेरे को। हर टाइम मैं रोती रहूँगी, आप लोग क्यों देखोगे यूट्यूब पे? आप मुझे मेरी वीडियोस क्यों देख रहे हो? इसीलिए ना, ताकि आप एक इंटरटेन हो, आपको अच्छा लगे, थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आए। अगर हर टाइम मैं आपको रोते रोते दिखाऊंगी तो आप लोग क्यों देखोगे मुझे, बताओ? अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बोलती हूँ। एक मैडम ने मुझे मैसेज किया, बहुत ही गंदा मैसेज था, उनके लिए शायद वो सही था। फिर अगर कोई आप रूड कमेंट कर लो कोई बात नहीं, लेकिन आप रूड रिप्लाई नहीं सुन सकते हो, ये कहाँ का सच है, ये कहाँ का सही है? ठीक है, आप मुझे जितना गंदा बोल सकते हो उतना गंदा बोल दो, अनपढ़ बोल दो, गवार बोल दो, अनएजुकेटेड बोल दो, ठीक है, ये सब चलेगा, ठीक है। और जहाँ एजुकेटेड क्या है, एजुकेटेड कैसे लोग होते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने कितनी एजुकेशन कर ली है, तो फिर क्यों उनको बना के बैठे हो प्रधानमंत्री? मत बनाओ ना। भगवान एजुकेटेड थे एजुकेटेड? कौन सी एजुकेशन की थी उन्होंने? मैं किसी से अपना कंपेयर नहीं कर रही, मैं आपसे जस्ट एक आप अपने सोचो, आपके माँ बाप कितनी एजुकेशन करके बैठे हैं? चलो उनके माँ बाप के माँ बाप, तो क्या उन्होंने दुनिया नहीं देखी? क्या उन्होंने दुनियादारी नहीं समझी कभी? क्या उनको कुछ नहीं आया? तो आप कहाँ से आ गए फिर? आपकी कहाँ से, आपका ये बीज जो है, जो हम ना कहीं ना कहीं बीज होते हैं, ये कहाँ से आया? एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट हो गई? सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या होता है? तमीज़ में रहना, संस्कार। आप कैसे बिहेव करते हो दूसरों के साथ? किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हो आप? आपकी किसी बात से किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा है? आपके किसी एक्शन से किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा है? एक कमेंट
एक घंटे के अंदर आप उसके नीचे 10 कमेंट खड़े कर देते हो, उसमें भी हम ही को गंदा बोलते हो, और इतना गंदा कि वो कमेंट हम रखना ना चाहें, हम रिमूव करना चाहें, फिर वो लोग ये सच सुनने का नहीं है। सच भैया बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। अभी लग रहा होगा कि इस टॉपिक पे बात करूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा इतने छोटे से टॉपिक को इतना बड़ा बना दिया। मेरी बेटी है, आपने जब से मेरा चैनल देख लो, वो स्टार्टिंग से उसको मेकअप का बड़ा क्रेज़ है। उसको एक होता ना, हर कोई हर किसी चीज़ में टैलेंटेड होता है, कोई किसी चीज़ में टैलेंटेड, कोई किसी चीज़। आज मैं आज की डेट में मैं बोल रही हूँ, आज मेरी बात लिख लो, मुझे पता है कि मेरी बेटी एक्टिंग लाइन में जाएगी, मुझे पता है मेरी बेटी को मेरी बेटी को मेकअप करना पसंद है, दूसरों का मेकअप, उसको स्टेप्स स्टेप पता है कि मेकअप के कितने स्टेप होते हैं, स्किन केयर क्या है उसको पता है, बिठाल के कभी बता दूंगी। और ये नहीं मैंने सिखाया, उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो देखती है, मुझे देखती है। मैं यूट्यूब पे कम काम इसीलिए करती हूँ कि कहीं ये ना कोई कहने को जाए कि माँ जैसा कर रही तो बेटी तो वैसा करेगी। भाई माँ का प्रोफेशन वो है, लेकिन उसको यही प्रोफेशन पसंद है। क्यों ये बोलते हो कि जिस प्रोफेशन में आपका बच्चा, मतलब आपका बच्चा जाना चाहे उसको जाने दो, उसके ऊपर रोक टोक मत करो, उसको करने दो। मैं उसको अभी करने भी नहीं दे रही, मैं उसके एजुकेशन पे ही ध्यान देती हूँ पूरा। 18 तारीख से पेपर हैं, तैयारियाँ चल रही हैं, इसकी वजह से मेरा 30 वीडियो भी लेट आएगा। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा अपना, मुझे बाहर जाना पड़ा तो मैं इसलिए आप लोगों से बात नहीं कर पाई, और अभी मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ। हाँ, तो उसमें मैंने जैसे बोला, मिशिका के लिए कमेंट आ रहे कि मैंने बहुत मेकअप किया अपनी बेटी का, तो पहली चीज़ मैंने मेकअप नहीं किया। हाँ, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल, उन्होंने जो भी बोला मैं यहाँ पे कमेंट लगाऊंगी। तो मैं बता दूँ, उसका मेकअप मैंने किया ही नहीं, उसको तैयार मैंने किया ही नहीं, क्योंकि उस दिन मेरा व्रत था, तो उसको ना मंस को मैंने तैयार नहीं किया था, मेरी दोनों दीदी लोगों ने करवाया किया था, टीनू दीदी ने और सानू दीदी ने। तो जो टीनू दीदी है उनने मिशिका को किया था, और सानू दीदी ने मंच को तैयार किया था। तो आप एक बात बताओ, घर में जितनी भी लेडीज़ हैं, लाइक मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, ठीक है, और जिनका मेकअप मैंने किया था, जी हाँ, उनका उनको मेकअप किया था, लेकिन उन्होंने मेकअप नहीं किया था, उनको मैंने सिंपल एक फेस क्रीम लगाया हुआ था, एंड उसके बाद मैंने उनको एक लिपस्टिक लगाई थी बड़ी न्यूड से कलर की, और मैंने उनको क्या, और आईब्रोज उनकी क्योंकि वाइट वाइट है, तो इस वजह से मैंने उनको भी फिल किया था, उनका ज़रूर किया था, वो भी मुझे इसलिए उनका करना पड़ गया था कि उनको, मतलब अभी उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है, तो दीदी ने उनको कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए दिए, तो कपड़े बड़ी मुश्किल में मम्मी के दीदी चेंज करवाए, फिर वो खाना बनाने चली गई, तो बोली मेघा एक लिपस्टिक लगानी है लगा देना। पर मिशिका का ये था कि उसको कपड़े पहनाना है और वो सब कुछ था, तो दीदी का था कि मैं कर लूँगी, तो दीदी ने उसको किया था। तो जब उसने देखा, जब मिशिका को तैयार किया था, उस टाइम पे मैं फुल मेकअप कर रही थी, मतलब अच्छा खासा मेकअप कर रही थी। मिशिका की जो स्किन है ना, वो थोड़ा सा डस्की टोन में है, डस्की टोन समझते हो ना, थोड़ा सा वो थोड़ी डस्की है, बट वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होती है, क्योंकि उसको स्कूल में कई बार लोग बोल देते हैं कि अरे मिशिका तो काली है, मिशिका तो ये है, मिशिका तो वो है, तो उसको वैसा अंडर कॉन्फिडेंट लगती है वो खुद में, उसको लगता है कि वो मतलब सही नहीं है, वो सांवली है। वो मुझसे भी बोलती है कि मम्मी आप तो इतनी गोरी हो और मैं आपके जैसी क्यों नहीं हूँ, मेरा कलर आपके जैसा क्यों नहीं है, सब अपनी मम्मी के जैसे होते हैं, मेरा कलर डार्क क्यों है। मैं उसको समझाती हूँ कि बचपन में मैं भी ऐसी ही थी और धीरे धीरे कलर निखरता है। तो उस टाइम पे मैं इतना तैयार हो रही थी, उसका भी मन होता है यार, बच्चे हैं ना, उनका भी मन होता है लिपस्टिक लगाने का, जब वो छोटे होते हैं तो क्यूट से लिपस्टिक लगा लेते, काजल यहाँ यहाँ फैला लेते हैं, तो तब भी। लेकिन एक बच्चा जो बड़ा हो चुका है, जो 7 साल का, 7 साल उसने कंप्लीट कर लिया और 8 साल उसकी रनिंग में है, तो एक उतना बड़ा बच्चा जो समझता है कि मेकअप क्या होता है क्या नहीं होता, उसको ये भी पता है कि मेकअप सेफ नहीं है, और ये मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ उनको, तो वो ये चीज़ हो रही थी। तो उसने अपनी बुआ से बोला कि बुआ मुझे भी थोड़ा तैयार कर दो ना। तो दीदी मेरे से बोली कि मेघा ये मेकअप के लिए बोल रही है, तो मैंने कहा नहीं दी, बिल्कुल नहीं, मेकअप बिल्कुल मत करना। वैसे उसका फेस ऐसा है कि वो थोड़ा सा भी अगर कुछ लगाती है तो उसके फेस पे अलग से समझ में आने लगता है कि उसने कुछ लगाया, क्योंकि उसके ना के फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा हेयर है, मैं यहाँ पे क्लोज में उसकी फ़ोटो लगाऊंगी, और उसकी जो पलकें हैं वो इतनी बड़ी और इतनी घनी है कि ऐसा लगता है कि वो ऑल द टाइम लाइनर एंड मस्कारा लगा के रखी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आइज़ कहीं ना कहीं उसकी मेरे ऊपर चली गई हैं, जिसकी वजह से उसकी आइज़ काफ़ी बिग साइज़ में हैं एंड वैसी लगती हैं।
तो उसको लगा कि मुझे भी मेकअप करना, उसने मम्मी, फिर मैंने बोला कि दी काम करो उसको वो मत करना, टिंट लगा देना आप। और टिंट मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए एक ये है जो मामा अर्थ का टिंट है, इसका कलर देख लीजिए, जो कि उस दिन इसने ये नहीं लगाया, बाकी मैं बता रही हूँ आपको। एक ये है, ये मुझे कोलैबोरेशन में आए थे, और ये पूरे ये वाले जो टिंट है मेरे पास, समथिंग कितने सेट्स हैं इनके, कम से कम नहीं तो मेरे पास इसके 6 सेट्स हैं, ठीक है। तो एक ये है, ठीक है, जो वो कहीं ना जब भी कहीं मतलब जाती है या कुछ, जब वो बोलती है कि मुझे भी तैयार, मुझे भी लिपस्टिक लगा दो, तो मैं लिपस्टिक के लिए सख्त मना करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है लिपस्टिक तो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। अभी आप देखो मेरे फेस पे आपको लिपस्टिक दिख रही है क्या? आप मेरे ब्लॉग्स उठा के देख लो, बस पूजा उजा के ब्लॉग मत उठाना, बाकी आप एवरीडे वाले ब्लॉग उठा के देख लो, क्या मैं एवरीडे लिपस्टिक लगाती हूँ? अगर लिपस्टिक चाहे कितनी अच्छी ब्रांड की लगा लो, लिपस्टिक आपके लिप्स के लिए सेफ होती ही नहीं है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। तो मैं मेरे बच्चे के लिए क्यों ऐसा करूँगी, एक बात बताओ? क्या मुझ में इतना दिमाग नहीं है? ठीक है, कम पढ़ी लिखी हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके साथ कुछ गलत कर जाऊँगी। मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक, टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है, यूट्यूब पे हम इतना सब कुछ देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। अरे भाई, आज हम अपने बच्चे के लिए एक कोई मेडिसिन भी देते हैं, और अगर वो रख देते हैं बाद में कभी उसको वॉमिट हो रही होती, तो हमें पता है कि मेडिसिन वॉमिट की है, बट फिर भी हम गूगल करते हैं। तो इतना लापरवाह नहीं है, कोई लापरवाह नहीं है। आपको इतनी तकलीफ है कि भाई इसको ये तो लापरवाह है, फलाना है, ढिमकाना है। तो वो टेंट उसने जो लगाया था वो ये था, ये अर्थ रिदम का टेंट है, ये लिप एंड चिक टेंट है, जो मैंने दी से बोला कि ठीक है दीदी, अगर वो कह रही है तो उसको ये लगा दो, बस ये देखो। अब आपको क्या लग रहा है कि मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है? आपके सामने ही लगा रही हूँ ना टेंट, ठीक है। यही दी ने उसको लिप्स पे लगाया, और वो बोली बुआ बहुत ज़्यादा ग्लॉसी ग्लॉसी लग रहा है, मैं इसको चीक पे लगा लूँ? तो दी ने बोला ठीक है लगा लूँ, उसने ऐसे करके और सिंपली ऐसे कर लिया, ठीक है। यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ मैं, देख लो आप कि क्या उसने लगाया। और उस टाइम तक दी ने उसको, अब इतने में आपको लगेगा जैसे मैंने हाईलाइटर और ब्लश दोनों ही लगा लिया, ठीक है। तो उसने ये किया है, और वो हमेशा जब भी वो मेकअप की बोलती है, मैं उसको यही दो टिंट है, दो ये और ये, मैं दोनों के लिए ओके बोल देती हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है कि सेफ है, टिंट है सेफ है। और एक और लिप ग्लॉस आती है, लिप बाम आती है जो टिंटेड होती है, वो भी मैं वो कुछ टाइम पहले लगाती थी, वो भी मैंने एक बार ऐसे ही क्लियर किया था ब्लॉग के अंदर। आज मुझे स्पेशली इस चीज़ के लिए वीडियो बनानी पड़ी। बच्चों को छोड़ दो यार, प्लीज़ बच्चों को छोड़ दो। अभी जाओ आप बाहर जाओ, मैं काम कर रही हूँ। बाहर जाओ, बोला मिशिका, मैं कुछ जरूरी बात कर रही हूँ। नहीं, मैंने छुटा ली ना, लिपस्टिक नहीं थी वो। तो बस वो एक जो चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को क्लियर करनी थी मैंने कर दी। कुछ भी बोलने से पहले पूरी बात जान लिया करो, उसके बाद बोला करो। मैं इस चीज़ों को बहुत इग्नोर करती हूँ, मैं ऑल द टाइम ही इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस बात का मुद्दा ना बनाऊँ, क्योंकि मुद्दा ऑलरेडी यूट्यूब पे बन जाता है। लेकिन आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को भी समझो कि हम भी इंसान हैं, हमें भी हर्ट होता है जब आप हमारे बच्चे के लिए कुछ बोलते हो, या आप हमारे संस्कार पे या हमारे ऊपर उंगली उठाते हो, क्योंकि हमें पता है हम हमारे बच्चों को कितनी मुसीबतों से पाल रहे होते हैं, आप लोगों को कुछ नहीं पता, ठीक है। ख़ास तौर से मैं एक बार एक छोटी सी जगह मैं लापरवाही जता दूँ, मैं मंस के लिए लापरवाह हो सकती हूँ, पर मैं मेशिका के लिए लापरवाह नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है वो बेटी है, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मैं जितना उसको सुख दे सकती हूँ अपनी तरफ से देती हूँ, उसके लिए मैं जितने एफर्ट्स लगाना चाहती हूँ मैं लगाती हूँ, मैं अपनी जी से नहीं जान से नहीं हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और आप लोग बस एक छोटा सा मैसेज कर देते हो, आप लोगों को नहीं पता होता है कि सामने वाला किस मेंटल पेन से गुजर रहा है, उसको कितना बुरा लगेगा। किसी ने कमेंट किया, अरे ये क्या, इसको क्या पता, ये 17 साल की थी जब भाग गई थी घर से, तुमको पता है 17 साल की थी तो घर से भाग गई, तो क्या दिमाग नहीं है? तो ऐसे ही 9 साल शादी निभा ली अपनी, ऐसे ही बच्चे कर लिए, हमको तो कुछ नहीं पता, तुमको पता है ना सब, तो बताओ ऐसे ही कर ली यार। हर चीज़ को मेरे भागने पे क्यों घूम फिर के सुई वहाँ जाएगी, घूम फिर के वहाँ जाएगी। ऐसे किसी ने कमेंट किया कि तुम अपनी
अपने माँ बाप क्या बोलते घर से भाग के शादी कर ली उसके बाद खुश कैसे रह लेती हूँ। अरे माँ बाप के बिना खुश कैसे रह लेते, तो क्या करूँ, रोज आंसू गिराऊँ, चीज़ें ठीक होने वाली है, हो जाएंगी ठीक, एक बात बता दो हो जाएंगी ठीक। चलो आपने इसके पहले जो ब्लॉग देखा मैं बहुत खुश थी, आज मैं रो रही हूँ, ठीक चीज़ें हो जाएंगी। मैंने बोला मुंह से तो नीचे कोई आया पड़ा, अरे तुम तो बड़ी वाली पागल हो, कुछ भी बोलने से पहले नहीं सोचना है, नहीं समझना है क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसी को अच्छा लग रहा है किसी को बुरा लग रहा है, हमें तो बोलना है बस, हमें तो बोलने से मतलब है, क्योंकि हमें तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। लेकिन आपको नहीं क्या पता कि वो प्लेटफॉर्म के जो पीछे बैठा है वो भी एक इंसान है, एलियन नहीं है, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान तो वो भी नहीं है कि जिसको लात मारो तो फ़र्क नहीं पड़ रहा और जल चढ़ाओ तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम इंसान हैं, हमें भी फ़र्क पड़ता है, हमें भी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मुझे बख्श दो बहन, मैं सबको बोल रही हूँ, मेरे ऊपर इतनी मुझे जीने दो, मैं सब जीना मांग रही हूँ, और अगर नहीं जीने देना तो वो भी बता दो। अभी कुछ लोग बोलेंगे YouTube छोड़ दो, क्यों छोड़ दो, दिन रात मेहनत करी है इस पे, इतना गैप करती हूँ इसीलिए ताकि खुश होके आऊँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बहुत अच्छे तरीके से पूरी करके आती हूँ। जब भी YouTube पे वीडियो अपलोड होती है ना तो पहले जो मेरी फैमिली को नीड होती है मैं उनको देती हूँ, मेरी मम्मी मेरी दीदी लोग अभी आई थी तो मैंने उनको समय दिया, जब वो गई तब मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू किया कभी। और मेरी बेटी एक और चीज़, अभी कुछ लोग बोलेंगे अरे उसने फाउंडेशन लगाया, नहीं नहीं लगाया था फाउंडेशन, कभी नहीं लगाया था। बेबी जॉनसन्स का पाउडर होता है, हिमालया का पाउडर होता है, जो बेबीज़ को हम लगाते हैं वो पाउडर उसको क्रीम, क्योंकि जो बेबी क्रीम होती है ना वो इतनी ज़्यादा ऑयली होती है कि एक तो उसकी डार्क स्किन है, ठीक है थोड़ा सा डार्क टोन में है वो, और अगर उसके बाद वो क्रीम लगा लो तो ऑयली की वजह से वो और ज़्यादा डार्क दिखने लगती है, तो उसकी वजह से उसको पाउडर लगा देते, टिंट है जो लगाया था, और उसके बाद ब्लश, दैट्स इट, ब्लश भी इसी का, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और फंक्शन उसकी मेरे पास फोटोज तक नहीं है, मैंने वीडियो से क्रॉप करके फोटो निकाली है। केक कटा, उसका टाइम खत्म हो गया था, वो अपने आके सो गई थी, बच्ची स्कूल जाती है मेरी, और उस दिन वो स्कूल गई थी, छुट्टी नहीं थी उस दिन कि वो स्कूल नहीं गई, तो वो सो गई थी। फिर भी आपको उसको ट्रोल करना है, फिर भी आपको उसके लिए बोलना है,